वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल में जो मेन्यू हम सीख रहे हैं, फाइल मेन्यू, उसमें रिवर्ट कमांड हम सीखने वाले हैं। इससे पहले पहला पार्ट हम देख चुके हैं। पहले पार्ट में हमने रिवर्ट से पहले सारे ऑप्शंस को क्लियर करा था। रिवर्ट ऑप्शन में सपोज हमने कोई फाइल बनाई है और उस फाइल को हमने सेव कर दिया है। सेव करने के बाद हम उसमें जो भी चेंजेस करेंगे वहाँ तक का काम हमारा रिवर्ट हो जाएगा। सपोज़ मैंने सेव करने के बाद कुछ और ड्राइंग इस पर ड्रॉ करी है और हम चाहते हैं कि जितना हमारा काम सेव है वहाँ तक का काम हमारा आ जाए, तो रिवर्ट पे क्लिक करते ही जब आप ओके प्रेस करेंगे तो हमारा काम वही डिस्प्ले होगा जो हमने सेव करने तक किया था। तो रिवर्ट कमांड सीधे सीधे उसी जगह पहुँचने के लिए होती है जहाँ तक आपने काम को सेव किया था, उसी जगह आपको ला के खड़ा कर देगा। एक्वायर इमेज हमारा स्कैनर पे वर्क करता है। अगर आपके पास स्कैनर कनेक्ट है और आपने उसमें कोई फ़ोटोज़ या कोई पेपर रखा हुआ है तो ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे और जैसे ही आप सिलेक्ट आईवन सोर्स या सिलेक्ट वीयर सोर्स पे क्लिक करेंगे तो उन फ़ोटो के नाम पे ओके करते ही आपकी स्कैन वाली फ़ोटो यहाँ कोरल ड्रॉ में आ जाएगी। उसके बाद हमारा ऑप्शन है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट कमांड पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम कोई भी PDF फाइल, कोई भी JPG फाइल, कोई भी कोरल ड्रॉ फाइल, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं सारे फॉर्मेट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, चाहे वो कोरल ड्रॉ की फ़ाइल हो, चाहे कोई वो लोगो फाइल हो या फ्लैश फाइल हो, ये सारी फाइलें हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो ऑल फॉर्मेट रखते हुए कोई भी फाइल को अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से ड्रैग करने पर वो फाइल हमें डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये ऑप्शन है हमारा इम्पोर्ट का। इसी की तरह एक्सपोर्ट ऑप्शन भी हमारे वर्क करता है कि आप चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल JPG फॉर्मेट में सेव हो या PDF फॉर्मेट में सेव हो। वैसे PDF के लिए यहाँ पर एक अलग से कमांड दी गई है, तो यहाँ से JPG या किसी और फॉर्मेट के बाद आप अपनी फ़ाइल को एक्सपोर्ट करके सेव कर सकते हैं। तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ये दोनों एक इम्पोर्टेंट कमांड है हमारे कोरल ड्रॉ में, जिससे हम अपने फाइल को PDF के रूप में या JPG फॉर्मेट के रूप में सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट फॉर स्पेशली आप किस चीज़ के लिए एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, MS ऑफिस वर्क के लिए वर्ड एक्सेल के अंदर आपको इंपोर्ट कराना है, या वेब के लिए जो आप इंटरनेट पेज पर पेस्ट करना चाहते हैं, या वर्ड प्रेस के लिए, तो किसी पे भी आप अगर क्लिक करेंगे वेब पे या ऑफिस पे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर जो सेव करनी है फाइल वो किस रूप में करनी है। तो जिफ फॉर्मेट में आप देख रहे हैं नीचे आ रही है। तो जब हम इंटरनेट पेज पे कोई फ़ोटो डालते हैं तो उसका थोड़ा लो क्वालिटी जिफ फॉर्मेट के ज़रिए हम सेव करा के कर सकते हैं। सीधे सीधे अगर आप इसको अपने किसी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, उसका ब्लूटूथ डिवाइस ऑन है, आप इसका जिप फोल्डर बनाना चाहते हैं, आप इसका डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट आइकन लेना चाहते हैं, आप इसे माई डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं या मेल के साथ अटैच करके इसे भेजना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। टीम वीवर वगैरह से कनेक्ट करके आप सीधा सीधा यहाँ से फाइल को अपने किसी दूसरे फ्रेंड के पास शेयर कर सकते हैं। और ये रही हमारी पब्लिश टू PDF कमांड। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सीधा आपको एक ही फॉर्मेट मिलेगा PDF, यानी कि आपको चूज़ करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे। वो ऑप्शन मिलेंगे आपको एक्सपोर्ट के अंदर, अगर आपको डिफरेंट एक्सटेंशन में उसको सेव करना है। तो सीधे सीधे आप जब किसी भी प्लेस पर इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद आप डेस्कटॉप पर जहाँ पे आपने इसे सेव करा है इसको खोल के देख सकते हैं, ये हमारी फ़ाइल यहाँ पर आ जाएगी। फ़िलहाल यहाँ पर कुछ विजिबल नहीं है क्योंकि हमने वहाँ पर सिलेक्शन नहीं कराया होगा, सिलेक्शन के बेस पर ही हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है। तो कंट्रोल ए के बाद पब्लिश टू PDF, और इसे आपको पेज पे रखना है क्योंकि पेज से बाहर होगा तो आपको वो डिस्प्ले नहीं होगा। सिलेक्शन करने के बाद हमें सभी चीज़ें एक्सपोर्ट टू PDF में करना है। आपने फिर से इसे माई टू नाम से सेव किया और जैसे ही हम इसको माई टू फाइल को देखेंगे आपको यहाँ पर वो सारी चीज़ें विजिबल होंगी। तो कोरल ड्रॉ के अंदर अगर आप पेज पे कोई पिक्चर इमेजेस रखते हैं तो वो ही आपको वहाँ पर पेजेस पर शो होंगी। एक सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है कोरल ड्रॉ में, प्रिंट मर्ज कमांड। प्रिंट मर्ज कमांड मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज बच्चों के आई कार्ड्स बनाने हैं और
एक ही टेम्पलेट पे हर बच्चे के नाम अलग अलग हमें प्रिंट कराने हैं, तो उस केस के अंदर हमें प्रिंट मर्ज कमांड हेल्प करेगी। एग्जाम्पल के लिए हम क्लिक कर देते हैं क्रिएट लोड प्रिंट मर्ज पे। आपको यहाँ से वो कॉलम्स ऐड कराने हैं जो डेटा आप रखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में। जैसे ऐड कॉलम पे हमने यहाँ पर रख दिया है स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी के लिए हमने न्यूमेरिक ऑप्शन को चूज़ करा है, और जैसे ही हम इसे ऐड कराएंगे, ऐड कराने के बाद हमारा वो कॉलम ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर डाला है नेम, और नेम के बाद हमने डाला है फादर नेम। तो ये तीन चीज़ें सपोज़ हम ऐड कराना चाहते हैं। ऐड कराने के बाद हम यहाँ प्लस पे क्लिक करके रिकॉर्ड्स को ऐड करा सकते हैं। स्टूडेंट आईडी सपोज़ हमने डाल दी है 9211, नेम हमने डाल दिया है, टैब दबा के आप ये नाम डाल सकते हैं। उमाशंकर हमने नाम डाल दिया है, और यहाँ पर फादर नेम हमने डाल दिया है कपिल कुमार। इस तरीके से मैं कुछ रिकॉर्ड्स बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने तीन रिकॉर्ड्स डाल दिए हैं। रिकॉर्ड डालने के बाद आप उस क्लिक करके अगले कॉलम पे जा सकते हैं। अब जैसे ही हम इन रिकॉर्ड को सेव कर देते हैं, सेव के बाद हम इसको वापस से रीयूज़ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे माई डेटा नाम से डेस्कटॉप पे या किसी और लोकेशन पे सेव कर दिया। अब जैसे ही हम फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद हमें ये टूल बार दिखाई दे जाएगा। हमें पहले एक सैम्पल बना लेना है। एग्ज़ाम्पल के लिए हम यहाँ पर बना रहे हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के बाद हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत चाहिए, और वो चीज़ें हमने यहाँ पर बना दी हैं। एडमिट कार्ड के बाद हमें चाहिए बच्चे का नाम, उसका रोल नंबर और उसकी आईडी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है स्टूडेंट आईडी, और उसके बाद यहाँ पर स्पेस देते हुए आपको एसआईडी पे इंसर्ट करा देना है। इंसर्ट कराने के बाद आप देखेंगे वो आईडी आ चुकी है। सेम एज हमें नेम और फादर नेम भी ऐड कराने हैं, और आप चाहें तो और भी कॉलम्स ऐड करा सकते हैं इसी तरीके से। जब हम यहाँ पर स्पेस के साथ इसको ऐड कराएंगे इंसर्ट से, कंट्रोल जेड आप कर दीजिए, यहाँ पर टेक्स्ट कमांड के अंदर से हमें इंसर्ट कराना है नेम। इसी तरीके से हमें नीचे भी लेना है फादर नेम, और फादर नेम के बाद हम इसको यहाँ से फादर नेम पे क्लिक करते हुए इंसर्ट कराएंगे। तो तीनों चीज़ें हम ले चुके हैं। तीनों चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए, फॉर्मेटिंग कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट। अब जैसे ही आप मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर पेज तीन बन चुके हैं। पहले पेज पे उमा का रिकॉर्ड आ रहा है, दूसरे पेज पे विपिन का, और तीसरे पेज पे नीरज का। तो ये है हमारा प्रिंट कमांड, जो मर्ज के अकॉर्डिंग, मतलब मल्टीपल डेटा के अकॉर्डिंग हम प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रिंट मर्ज कमांड एक यूज़फुल कमांड है आपके लिए। आप चाहें तो रिकॉर्ड्स को वापस एडिट वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन मर्ज करने से पहले। प्रिंट कमांड के अंदर आप चाहें तो इन सब के तीनों पेज प्रिंट कर सकते हैं, या चाहें तो सिर्फ एक ही पेज प्रिंट कर सकते हैं, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी स्टूडेंट्स को हैंडओवर कर सकते हैं। तो प्रिंट कमांड्स के ज़रिए आप अपने अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग कर सकते हैं। एक ऑप्शन होता है यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू। आप प्रिंट निकालने से पहले देख लीजिए कि आपका प्रिंट कैसा निकलने वाला है। तो प्रिंट निकालने से पहले आप उसका एक प्रीव्यू यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसको क्लोज कर दीजिए। उसके बाद हमारी जो कमांड्स आती है वो है यहाँ से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। ये भी एक अच्छी कमांड है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो पेजेस हैं उसमें कितने हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, या टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं, या पेपर की हमारी हाइट या ओरिएंटेशन क्या है, नंबर ऑफ़ वर्ड्स क्या है, कलर मोड क्या है। ये सारी की सारी स्टैटिस्टिक्स हम अपने डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ से पता कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ कमांड्स फाइल मेन्यू की, जिनको हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम एडिट मेन्यू के ऑप्शंस को सीखने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।